तो गाइस एक बार फिर से स्वागत है एक और फ्रेश वीडियो में। इस वीडियो में जो है आपके जो है कुछ सवाल हैं, तो उसके जवाब देने के लिए हम ये वीडियो बनाए थे। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस फर्स्ट क्वेश्चन आता है नारायण पाटिल सर का कि ब्रो ऑनलाइन कॉपी सेल पर किलर कंपनी ऑब्जेक्शन क्यों नहीं लेता है। सेम क्वेश्चन मनीष कुमार का भी है, सर कंपनी कोई एक्शन क्यों नहीं लेता है। तो सर इसके लिए मुझे दो आदमी की जरूरत है, तो सबसे पहले मैं दो आदमी ले लेता हूँ। ये सेलर हो गए और ये जो है अमेजोन वाले हो गए और मैं किलर कंपनी का जो है ऑनर हो गया मानते चलिए, ठीक है। तो अब ये जींस जो है ये इन्होंने डाला, किसी ने जो है वो बाई किया, ठीक है। अब ये पता नहीं है ये क्या बेच रहे हैं। तो सबसे पहले ये जो है उनको पास करेंगे, ठीक है, ये जो है उनको देंगे, अमेजोन वाले को देंगे, ताकि जो है उसके आगे का जो है प्रोसीडर करें। तो ये जो है आप उनको दे दीजिए, ठीक है। अब जो है ये कस्टमर को देने से पहले इन्होंने 15-20% दिया है अमेजोन वाले को, ताकि वो जो है इस प्रोडक्ट को सेल करे कमीशन लेके, ठीक है। कोई फ्री में नहीं देता है, कमीशन देना पड़ता है सेलर को। तो ये इनको दे दिए। अब इनको तो पता नहीं है कि क्या है नहीं है, इन्होंने पैक किया उनको दे दिया। अब ये इनका बस यही काम रहा है कि वो कस्टमर के थ्रू पहुँचा दे। उसके बाद मैं किलर कंपनी का हूँ, मैंने मानकर चलिए कि ये जींस मेरे पास आ गया, मैंने पकड़ लिया ये डुप्लीकेट है, ठीक है। अब कितने पीस पकड़ूंगा, 1, 2, 3, 4, उससे मैं अगर ये सेलर है इनको मैं बंद करूंगा, ठीक है। इनका जो है इनको मैं ब्लॉक करवा दूंगा फ्लिपकार्ट वगैरह से, तो कोई फायदा तो नहीं होगा। नहीं, कोई फायदा नहीं होगा। अगर मैं इनका जो स्टोर है इनके स्टोर पे मैं जाऊं और इनका स्टोर को जो है पूरा सील कर लूं इसके लिए, तो ज्यादा प्रॉफिट आएगा। तो ऐसे तो कंपनी जो है अगर जहां मिलता है खबर पहुंचता है कंपनी सील कर लेता है, अरेस्ट कर लेता है, बहुत ही बड़ा जो है केस होता है उस पर। लेकिन यहाँ पे तो है ये डायरेक्ट एक पीस आया, 10 पीस मंगवा, कितने पीस मंगवाऊंगा, हजारों लाखों सेलर्स हैं जो डुप्लीकेट बेच रहे हैं आपको, तो वैसे पकड़ना तो नामुमकिन है। इसलिए कंपनी जो है कुछ नहीं कर सकती है इस पे कि क्यों डुप्लीकेट मिल रहा है। तो यही तो था। तो गाइस ये दूसरा जो है क्वेश्चन आता है, जींस में क्यूआर कोड नहीं मतलब डुप्लीकेट है क्या। तो सर मैं आपको बताना चाहूंगा, अभी जितने भी स्टॉक आ रहे हैं उसमें 50-80% जो टैग रहता है उसमें जो है क्यूआर कोड आ रहे हैं, तो पहले वाले में नहीं आते थे, तो आप जो है वो ध्यान मत दीजिए। और एक और क्वेश्चन उन्हीं का है, उल्फी सर, उल्फी नाम है, इन्होंने जो है हमारे द डार्क रियलिटी ऑफ ऑनलाइन स्टोर पे जो है कमेंट किया था, तो इस पे है, आपने वीडियो नहीं देखा तो जाकर देखिए। तीसरा क्वेश्चन है, जींस के इनसाइड में ऑरेंज डबल स्टिचिंग नहीं दिया है, ओरिजिनल या फेक कैसे पता चलेगा। भाई 2099 का जींस लिया है मैंने फ्लिपकार्ट से, तो सर अगर अंदर में स्टिचिंग नहीं दिया है तो सर वो डुप्लीकेट है, 1000% डुप्लीकेट है सर। और 2099 आपने बेकार में खर्च कर दिए, क्योंकि सर 600-700 रुपये लगा के आप स्टोर से ले लेते तो आपको ट्रस्टेड एकदम मिल जाता विद बिल, ओरिजिनल बिल मिल जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इन्हीं का है, मेरा एक फ्लिपकार्ट किलर जींस में रबर प्रिंट नहीं दिया है जींस के बैक साइड, क्या सर आपने जो तीनों बोले वो तीनों चीज़ तो है ही नहीं, तो इससे तो साफ पता चल रहा है कि आपका डुप्लीकेट है। उसके बाद दीप शर्मा सर का एक क्वेश्चन आता है, क्या हर किलर जींस में इंटरलॉक थ्रेड कलर और ऑरेंज ही होता है क्या। तो हाँ सर, सारे कलर, सारे जो है थ्रेड का कलर ऑरेंज ही आता है 99.9%, 0.1% में जो बेसिक होता है जो प्लेन होता है उसमें बस नहीं देता है कंपनी। और उनका यही है क्योंकि इन्होंने किलर लॉन्च से 38 वर्ष में 2 स्लिम जींस लिया था, दोनों में इंटरलॉक ब्लू थ्रेड में था। तो सर सबसे पहले मैं बताता हूँ कि किलर लॉन्च नहीं, वो केलॉन्च होता है, बहुत सारी जो है वो सेल करने के लिए बस वो किलर लॉन्च आपको बता देगा। तो उसमें चारों ब्रांड मिलता है, किलर हो गया, इजीज हो गया, लॉमिन हो गया और इंटीग्रिटी होता है। तो अगर जो है अगर उस पर पीछे टैग में देखिएगा कि किलर लिखा हुआ है, तो अगर वो नहीं दिया है तो हो सकता है कि वो बेसिक आइटम हो, क्योंकि बेसिक आइटम में ऑरेंज थ्रेड नहीं देता है। और अगर वो दूसरा ब्रांड है तो उस पर तो ब्लू थ्रेड ही रहता है सर। सबके जो है वो कमेंट्स थे, तो हमने सोचा कि एक वीडियो बना लिया जाए। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करिएगा अगर कुछ और आपके जो है क्वेश्चन हो, क्यूरी हो। तो चलिए वीडियो का एंड करते हैं।